ये सौरभ जोशी वाली फीलिंग आ रही है। वेलकम टू माय ब्लॉग, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो दोस्तों मैं 5:30 बजे उठ गया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा हो रही है, 3 दिन से पेट दुख रहा था और आज बुखार फिर से आ गई, तो दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा। पानी इस समय कांटे में गिर रहा है, जिसमें बाहर निकलना भी थोड़ा सही नहीं है। सुबह शाम दोनों टाइम पानी गिर रहा, अभी तक तो गिरा नहीं और पानी गिर रहा है, अब तो काफी गिर रहा है। बच्चा स्कूल के रेडी हो रहा है, रेडी हो गया है, गुल्लू रेडी करवा रही बच्चा को हमारे, तो ज्यादा ही सीरियस हो गया है। क्या कर रहे हो आप? तभी फिलहाल तैयार हो जाएगा, अभी बहन आएगी तो वहां तो छोड़ना पड़ेगा। फिल्म यहाँ तक बहन वाला आता ही नहीं है, पता नहीं दिक्कत क्या है उसको, लिया रहता फोर व्हीलर फिर भी नहीं आता वो यहाँ तक, घर तक तो आते नहीं है। थोड़ा सा आगे छोड़ना जाना पड़ेगा, पानी गिर रहा है भाई। मेरी तो जाने की हिम्मत कहीं नहीं है, मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। देख सकते हैं मौसम कैसा बना हुआ है, पानी गिर रहा है कांटे निकल से। आपको ठंडी लग रही है? वैसे सभी को बुखार आ गई है, बेटे को भी कल आ गई थी, बच्चा को भी आ गई थी। मुझे तो एक्चुअली में क्या है ना, पेट इतना तेज दुख रहा था 2-3 दिनों से कि उसकी वजह शायद फिर से आ गई बुखार मुझे। ये कि शायद इस समय का सीजन ऐसे ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इन सब बुखार से ही पीड़ित हैं सारे, अभी तो फिलहाल ठीक है। हाँ क्या हुआ? अरे नहीं नहीं दो, अब क्यों खिला रहे हो? मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो यार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि इस समय पानी गिरने लगा, अभी तक तो फिलहाल नहीं गिर रहा था, आप लोगों के यहाँ भी तो गिर ही रहा होगा, बट क्या है कि हम लोगों के यहाँ जो मानसून था पहले गिरना चाहिए था, बट अभी गिर रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। अभी गिर रहा है तो ये कि धान लग जाएगी, नहीं तो बहुत सारे लोग ना धान भी ना लगा पाते इस बार। क्या है, मोटर से पानी भरते थे तो जैसे एक तरफ भरा दूसरी तरफ वो खत्म हो जाता था, मतलब सूख जाता था पूरा खेत ही। तो यह कि थोड़ा बहुत अब फार्मर्स को आराम रहेगा धान लगाने के लिए, नहीं तो अभी तो फिलहाल है बिल्कुल एक भी धान नहीं लगता। कौन सी आइसक्रीम? देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, दिखा तो। बहुत गर्मी लगी यार। बैडी लाल स्पेशल मावा कूल। अच्छा मावा कूल, हम बाड़ी लाल का ठीक है, अच्छी है टेस्ट, अच्छा यार। ये हमारे लिए लाया है, मम्मा के लिए वो लाया, कौन वाली हमारे लिए पता नहीं क्या, तो वो जाके अपने से तो बोलना चाहिए ना, क्या लगती है क्या बोलते हैं क्या करने जाती है, ये भी अच्छी है। पता नहीं कहा ये कौन सी आइसक्रीम है यार। है देखो टेस्ट कैसा है, पलट गया अभी का भी बहुत सारा बचा है, पानी नहीं गिरा, अब गिरने तो लगा पानी। माँ बाप आइसक्रीम ज्यादा बेटर थी यार, मुझे लग रहा था बच्चा ने क्या बोल के कहीं दूसरा गड़बड़ न ला दिया, लेकिन अच्छी आइसक्रीम है, हमको तो उससे अच्छी लगती बटर स्कॉच से, और फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये वाली बटर स्कॉच, बहुत अच्छी लग रही है। बेटो मुझे भी खाना है तो खिला दो, नहीं रहने दो, आप खा लो बेटू, बहुत अच्छी आइसक्रीम, अभी भी बची है, अच्छी आइसक्रीम है यार। रिप्रेस कर लिया, अपना भी खा लिया, मम्मा का भी खा लिया, ये देखिए थोड़ा सा भी इसको ठंड का एहसास नहीं होता, बिल्कुल ठंडा ही खाएगा हमेशा। आप अपनी आइसक्रीम के लिए रात में गए थे, सोचो पहले इतना कीचड़ तक लगता था गिर जाएंगे, एकदम पूरी स्कूटी स्लिप कर रही थी, यहाँ तो और पानी भरा था यार। दोस्तों बहुत हो गया है, आप इस बार थोड़ा सा मैं फिट एंड फाइन हो जाऊं, उसके बाद मैं अब आपके लिए ये जो बैकग्राउंड है इसका, इससे छुटकारा मिल जाएगा आप लोगों को।
रहा था। देखिए मौसम कितना अच्छा है, मौसम का है कि स्काई स्काई देखिए कलर कितना फैंटास्टिक है ना खूबसूरत नज़ारा। कितना अच्छा नज़ारा है देख सकते हैं आप लोग। हाँ क्या नज़ारा है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं देखो श्यामू, देखो ना VIP सीन है नहीं है, एक नंबर का देखो। आज कुछ ज्यादा आज ज्यादा अच्छे हैं, लगता है बिल्कुल एकदम कश्मीर वाली फीलिंग आ रही ना, उत्तराखंड वाली, ये सौरभ जोशी वाली फीलिंग आ रही है। आप लोग देखे होंगे सौरभ जोशी के ब्लॉग में ज्यादातर यही चीजें रहती हैं, वैसे जगह घूमते हैं ना इसलिए। आज वही सेम मौसम हमारे यहाँ का भी है देखो आप लोग, कितनी अच्छी खूबसूरती है, मौसम कितना सुहाना है एकदम मस्त। मेरे पीछे देख रहे नहर है जो कि पानी घुटने वक्त चलता है लेकिन इसमें खुदाई बहुत ज्यादा। आइसक्रीम में बेटू हमारा हमेशा ना काट के खाता है, हमेशा कितनी भी ठंडी आइसक्रीम दे दो आप हमेशा ही खाएगा। पता नहीं शायद अभी बच्चों में शायद सेंसिटिविटी नहीं होती, मतलब उनको ठंडा शायद नहीं लगता, वो हमेशा ठंडा खा लेता है। अपन लोग वेट करते रहेंगे लेकिन वो खा लेगा, हमेशा ठंडी चीज खाएगा हमेशा। हम लोग नहीं खा पाते ना, दांत गलने लगते हैं, लेकिन वो हमेशा ही खा लेता ठंडी चीज एकदम हमेशा।